और एक ही सड़क का दो अलग अलग बोर्ड लगा है, और यही कारण है कि बिहार के 90% ग्रामीण कार्य विभाग जो काम करता है वहाँ पे बोर्ड नहीं लगाता है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सेम है, यहाँ पे सड़क का डिजाइन है यहाँ पे, लेकिन 2021 में ये कंप्लीट हो जाना था और 2022 में उन्होंने इसका शिलान्यास ही किया है। 5 वर्ष तक मेंटेनेंस करना है और 2021 में रोड कंप्लीट करना है। 2021 में रोड कंप्लीट नहीं हुआ, 2022 में कंप्लीट नहीं हुआ, तो 5 साल के जगह पे अब 4 साल में मेंटेनेंस होगा और अभी भी रोड बनने में 1 साल और लगेगा। बिहार की राजधानी पटना में भवन निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग में आग क्यों लगता है आज तक न्यूटन को भी नहीं पता चल पाया होगा, बिहार के लोगों को कहां से पता चलेगा। चलिए उस पर बात नहीं करेंगे, आज हम इस सड़क पे बात करेंगे जो अधूरा है, और इस पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सड़क जो है 11/8/2022 को पूरा हो जाना था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और कार्य का नाम क्या लिखा हुआ है, हाई स्कूल बीरनगर से योगीगंज पथ का निर्माण, यानी हाई स्कूल बीरनगर यही है और यहीं से पथ का निर्माण करना था, और यहाँ पे राशि भी लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं, और 11/8/2021 को कंप्लीट हो जाना चाहिए था, अभी 2022 है। और देखिए सड़क का पूरा डिजाइन बताया गया है कि 4.05 मीटर जो है मिट्टी कार्य करना है, उसके ऊपर जो है गिट्टी का काम करना है, और सबसे ऊपर जो है अलकतरा वाला रोड बनाना है। और यहाँ पे ध्यान देखिए, इस सड़क का निर्माण जो है 11/8/2021 को कंप्लीट हो जाना था, वहाँ पे लिखा हुआ है कार्य पूर्ण की तिथि। और यहाँ पे जो है अचमित ऋषिदेव जो यहाँ के माननीय विधायक है, उन्होंने इस सड़क का शिलान्यास ही किया है 7/2/2022 को, यानी 6 महीना बाद इसका शिलान्यास हुआ, 6 महीना पहले कार्य कंप्लीट हो जाना चाहिए था। देखिए सेम चीज लिखा हुआ है, हाई स्कूल बीरनगर से योगीगंज तक का पथ निर्माण कार्य, और यहाँ पे लंबाई भी सेम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 1.8 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये घपला है कि ईमानदारी है, अब आप लोग निर्णय करेंगे, हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे बिहार सरकार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, बिहार सरकार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस सड़क का निर्माण कार्य जो है ना वो 7/2/2022 से कंप्लीट होना था, शुरू होना था, शिलान्यास यहाँ के विधायक जी ने किया था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सेम है यहाँ पे, सड़क का डिजाइन है यहाँ पे, लेकिन 2021 में ये कंप्लीट हो जाना था और 2022 में उन्होंने इसका शिलान्यास ही किया है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है बीरनगर हाई स्कूल 0 किलोमीटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइलस्टोन पे लिखा हुआ है बीरनगर हाई स्कूल 0 किलोमीटर, और वहीं से सड़क बनना था, वहीं से सड़क ये बनने वाला था, और उसी सड़क का जो है यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, और एक ही सड़क का दो अलग अलग बोर्ड लगा है, और यही कारण है कि बिहार के 90% ग्रामीण कार्य विभाग जो काम करता है वहाँ पे बोर्ड नहीं लगाता है, यही कारण है। क्या पता ये घपला होगा, हो भी सकता है, और ईमानदारी से काम किए होंगे तो ये सारे अधिकारियों को भारत रत्न का एक एक टुकड़ा दे दिया जाए, ईमानदारी से काम करने का ये नतीजा आप देख सकते हैं कि जो सड़क जो है 11/8/2021 को कंप्लीट हो जाना था, 11/8/2021 को, अभी 7वां महीना चल रहा है और 2022 चल रहा है, यानी 1 साल बाद भी ये सड़क कंप्लीट नहीं हुआ। और जो सड़क 11/8/2021 को कंप्लीट हो जाना था, उस सड़क के बाद जो है 6 महीना बाद उस सड़क का शिलान्यास किया गया, 6 महीना यहाँ के विधायक जी के द्वारा, और राशि जो है यहाँ पे अलग ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 1,89,28,926 रुपया यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,60,99,291 रुपया, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
पाँच वर्ष तक जो है मेंटेनेंस करना है। अब जब पाँच वर्ष तक मेंटेनेंस करना है और 2021 में रोड कंप्लीट करना है, 2021 में रोड कंप्लीट नहीं हुआ, 2022 में कंप्लीट नहीं हुआ, तो पाँच साल के जगह पे अब चार साल में मेंटेनेंस होगा और अभी भी रोड बनने में एक साल और लगेगा, तो मेंटेनेंस का जो राशि है वो तो घपला हो गया, सही है कि नहीं है? और रोड बनना था 2021 में, 2022 तक नहीं कंप्लीट हुआ, तो रोड का पैसवा निकाल के जो है बैंक खाते में डाल लिया सब, और थोड़ा सा काम हुआ करेगा तबे ना दिखाएगा। मान लीजिए 25 लाख का काम कर लिया, 1 करोड़ रुपया जो है सरकार के खाते से निकाल लिया और अभी तक रोड कंप्लीट नहीं हुआ। ये रोड कब पास हुआ था? 21 में कब पास हुआ था ये रोड? 21 में पास हुआ था। और देख सकते हैं पाँच वर्ष तक इस रोड को जो है सुरक्षित रखना था और अभी तक जो है ये रोड जो है कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए, और दो अलग अलग शिलापट यहाँ पे रखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए एक अलग शिलापट है, इस रोड का डिजाइन यहाँ पे है और एक यहाँ पे अलग जो है स्टील का लगाया हुआ, तो कहीं नहीं तो कहीं ये गड़बड़ है और इस प्रकार के भ्रष्टाचार पे जाँच होना चाहिए। बाकी ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और बिहार में चल रहा इंजीनियरों का करतूत के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।